विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान, केरल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मध्य प्रदेश में प्रदेश चुनाव समितियों का गठन कर दिया है। राजस्थान में गठित कमेटी के चेयरमैन गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। इसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट सहित कुल 23 सदस्य शामिल किए गए हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश चुनाव समितियों का गठन किया है। राजस्थान की चुनाव समितियों का चेयरमैन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया गया है। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि वो 23 सदस्य कौन है जो इस लिस्ट में शामिल हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के अन्य संगठनों जैसे यूथ कांग्रेस, NUCI, सेवा दल और महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आमंत्रित सदस्य होंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। चुनाव समिति द्वारा एक बार फिर से कांग्रेस को प्रदेश में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इस बार कांग्रेस भी नया फॉर्मूला अपना सकती है। लोकसभा चुनाव में नए चेहरों को चुनाव मैदान उतारे जाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश में कई बड़े नेता जो विधानसभा चुनाव हार गए थे उन्हें भी लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी है। गौरतलब है कि 2014 और 2019 में राजस्थान में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। दोनों ही बार कांग्रेस का स्कोर जीरो रहा। 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर भाजपा की जीत हुई। इसमें नागौर की सीट भी शामिल है। नागौर सीट पर भाजपा ने हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकसभा पार्टी के साथ गठबंधन किया था। इस बार कांग्रेस ने भी 2 से 3 दलों के साथ गठबंधन का प्रयास कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी 3-4 दलों से गठबंधन किए जाने की बात कही थी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के एक सीट के गठबंधन के अलावा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो सका। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। लोकवार्ता न्यूज़, जयपुर।